Welcome to Anu Monga's tutorials at Alpha Technology channel. आज इस सेशन में हम MS Access में स्प्लिट फॉर्म क्रिएट करने के बारे में पढ़ेंगे। स्प्लिट फॉर्म डाटा को दो व्यूज में देखने के लिए यूज होती है। इसके जो दो व्यूज हैं वो होता है फॉर्म व्यू और डाटा शीट व्यू। जो दोनों व्यूज हम स्प्लिट फॉर्म में देखते हैं वो सेम डाटा सोर्स से ही कनेक्टेड रहते हैं और एक दूसरे से सिंक्रोनाइज्ड रहते हैं। जब भी हम एक पार्ट में कोई फील्ड को सिलेक्ट करेंगे सेम वही फील्ड दूसरे पार्ट में भी सिलेक्ट होगा। हम ऐड कर सकते हैं फील्ड्स को, एडिट कर सकते हैं या डिलीट कर सकते हैं, दोनों में से किसी भी व्यू में, फॉर्म व्यू से भी और डाटा शीट व्यू से भी। हम जब दो फॉर्म्स को इकट्ठा यूज करते हैं तो उसका सबसे बड़ा बेनिफिट हमें क्या मिलता है कि एक ही टाइम पे हम डाटा शीट व्यू के थ्रू किसी रिकॉर्ड को लोकेट कर सकते हैं और अगर हमने उसमें कुछ एडिटिंग करनी है या उसको व्यू करना है तो हम उसके लिए फॉर्म व्यू को यूज कर सकते हैं। यानी कि दोनों व्यूज जब हमारे पास एक साथ होंगे तो हमारा जो वर्क है वो स्पीडली परफॉर्म होगा। स्प्लिट फॉर्म को क्रिएट करने के लिए नेविगेशन पेन में आप सबसे पहले उस टेबल या क्वेरी पे क्लिक करेंगे जिसके अंदर डेटा है और जिसको हम फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहते हैं। उसके बाद हम क्रिएट टैब में फॉर्म्स ग्रुप में जाएंगे, क्लिक मोर फॉर्म्स और वहां से स्प्लिट फॉर्म ऑप्शन को चूज करेंगे तो हमारा उस पर्टिकुलर टेबल का डाटा स्प्लिट फॉर्म में हमें अवेलेबल होगा। अभी मैं आपको ये प्रैक्टिकली भी शो कर रही हूँ कि आप एक पर्टिकुलर टेबल को स्प्लिट फॉर्म में कैसे देख सकते हैं। हमें जिस भी फॉर्म को स्प्लिट फॉर्म में की फॉर्म में देखना है उसके लिए सबसे पहले हम टेबल को सिलेक्ट करेंगे, फिर क्रिएट में जाएंगे। क्रिएट में यहाँ पर मोर फॉर्म्स के अंदर स्प्लिट फॉर्म ऑप्शन है, इसको चूज करेंगे। अब हमारी उस टेबल का डाटा यहाँ नीचे डाटा शीट व्यू में दिखा रहा है और ऊपर फॉर्म व्यू में दिखा रहा है। आप यहाँ पर देखेंगे कि हमने यहाँ पे पहला रिकॉर्ड सिलेक्ट किया हुआ है तो यहाँ पर भी फर्स्ट रिकॉर्ड दिखा रहा है। अगर हम नीचे से चेंज करते हैं तो ऊपर भी चेंज हो जाएगा और अगर हम ऊपर कोई चेंजेस करते हैं जैसे हमने ऊपर थर्ड डाटा पे गए तो यहाँ पर भी नीचे थर्ड रो ही हमें दिखाएगा। तो ये स्प्लिट व्यू है, इसमें दोनों व्यूज, आपका फॉर्म व्यू भी और डेटा शीट व्यू भी आप एक साथ देखते हो तो हमें इजीली हम लोकेट कर सकते हैं और चेंजेस कर सकते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा और अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसको सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस के बारे में पता चलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।